Ori. मोनी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आउटफिट अब काफी प्यारा है। तो मेरा अपना है, थैंक यू। तो क्या बताएंगे? कुछ नहीं, आई लाइक फॉर एवरीथिंग आई यू नो व्हाट हैपेंस इज आई रियलाइज्ड ऑफ लेट, इनफैक्ट अ ईयर बैक, ईयर एंड हाफ बैक, आई रियलाइज्ड दैट we also buy so many clothes, get so many of them made, and then the personal style gets lost somewhere. You use a take a help for stylist all the time. So I like and I love clothes. So I like to do my own thing also. वैसे परदे के पीछे मतलब महादेव में हमने आप दोनों को साथ में देखा, और अब I guess बहुत time बाद हम दोनों साथ में मिले। I know. People are going to be so happy. साथ में बैठे। अरे मैं कोई लाइक अवे सो फार आई स्टिल आर स्क्रीनिंग इज ऑन सो आई हैवंट बीन देयर। चलिए कहते हैं वैलेंटाइन डे से ठीक पहले इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे भी सबसे खास? वैलेंटाइन डे से पहले शिवरात्रि आ रही है, सो आई गेस मैं उस पे और भी ज्यादा बात नहीं कर सकता। आई एम वेरी फॉर्चूनेट इनफ, मैं बल्गेरिया में हूं। सी आई गेस आई एम वेरी फॉर्चूनेट कि शिवरात्रि के दिन के आसपास ही हमारा शो रिलीज हो रहा है, सो दैट्स अ ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। लास्टली फैंस से कुछ कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूंगी कि इट्स अ वेरी गुड शो, इट्स अ न्यू चैनल Discovery Jeets, so you guys should give them all their love, all the love that you can, because they really really need it and it's a brilliant show, so you guys are not going to be disappointed. A bahut time baad I think television pe specially ek aisa show aa raha hai, otherwise you know it's usual, it's the usual drama that you keep seeing, so it's a little offbeat, but at the same time it's extremely massy and वो देशभक्ति वाली बात जो होती है उसमें तो मेरे को कहीं पे भी वो नेशनल एंथम भी आए तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी एन इमोशनल जर्नी फॉर ऑल ऑफ यू ऑल आल्सो, सो प्लीज गो वॉच इट। आपकी फिल्म के बारे में भी बता दीजिए, बिकॉज़ वी आर सीइंग इंस्टा पोस्ट्स एवरीवेयर। क्या कहेंगे अबाउट व्हाट द ट्रेलर? आई एम देयर फॉर लाइक अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, नाउ आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेलर। होपफुली यू विल सी मी देयर अ लिटिल मोर, एंड व्हाट कैन आई से, आई कांट वेट फॉर 15th ऑगस्ट। टीजर गोल का सबने देख लिया है, सो कब आने वाला है? आने वाला है क्या? 15th ऑगस्ट को इट्स रिलीजिंग ऑन 15th ऑगस्ट, बट राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग टू गो टू बल्गेरिया टू स्टार्ट फ्रॉम हास ट्रिप, सो या आई एम वेरी वेरी सून, एंड सो फिंगर्स क्रॉस्ड अबाउट दैट। एक लास्ट विश टू टीम ऑफ एके सर्वेंस। आई विश my bestest wishes to the entire team of AK Sarfarosh. I know that it's a fab show and a relevant show, and it's made with so much of hard work and passion, and I'm sure that it is not going to go unnoticed. Thank you. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड शो। मैं अभी सिर्फ 2-3 सीन्स ही देख पाई और फिर मैं बाहर आ गई आप लोगों के साथ बात करने। मैं जैसे कि मैंने पहले बता रही थी, इट्स वेरी वेल मेड। आई कैन सी दिस लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट हैज़ गॉन, बिकॉज देव गॉन शॉट इन लद्दाख एंड रियल लोकेशन, सो दिस काइंड ऑफ शो स्पेशली ऑन टीवी जहाँ पे आपके टाइम कंस्ट्रेंट होता है, टू गेट इट ऑल टुगेदर एंड पुट इट अप, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। एंड On top of that, I think it's a brilliant screenplay. Whatever I have seen till now, I'm really, really loving it. More, I will be able to talk about it after I finish watching the episode. Okay, ma'am. इसके बाद में गोल्ड आ रहा है। जी। एक्चुअली साथ में काफी difficult है एक्चुअली साथ में काम करना। जी नहीं, मुझे तो बिल्कुल। जल्दी wake up हो जाता हूँ। हाँ, but that's okay. That's I mean आप और ज़्यादा discipline हो जाते हो। कई सारी चीज़ें naturally होती है, जैसे कि आप देखते हैं कि सर जब इतने sincere हैं अपने हर एक शॉट को लेकर, you also want to give your best anyway, he is like one of the biggest superstars in the country, so just sharing the same frame with him is very unnerving, you know, but I must say that he was extremely supportive, the entire team including Reema ma'am who's our director, she and Akshay sir, both of them were extremely supportive. They really like first of all helped me get rid of my nervousness, and then really really helped me throughout the थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में कोई ब्रीफ। आई हैव नो क्लू, आई जेन्युइनली डोंट नो। थैंक यू।
दुश्मन से हाथ जोड़ रहा हूँ दुश्मन से हाथ जोड़ रहा हूँ Yes, it's about my boy.